मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लाडली बहना को 18,000 रुपए देने का वादा किया है। कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1,500 रुपए देंगे। इस हिसाब से महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए कांग्रेस दी। चुनावी दौर चल रहा है, हर पार्टी अपने अपने दावों और वादों से जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिलाओं को लेकर बड़ी चुनावी घोषणा कर दी है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को सुखद सूचना देना चाहता हूं। कुछ महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस सरकार महिला को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बनेगी। कमलनाथ की इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी गदगद हो गई है और इस घोषणा को जन कल्याणकारी घोषणा बता रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।